क्षितिज होम ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज बनाएंगे कद्दू की बहुत ही टेस्टी मिठाई। ये लीजिए, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट वाला कद्दू। ये इस तरह का बिल्कुल सॉफ्ट वाला कद्दू लीजिए और इसको छील के धो के साफ कर लेंगे। अब बारीक वाले से इसको कद्दूकस कर लीजिए। और अगर आप बड़ा वाला कद्दू से बनाते हैं तो उसका बीच वाला पार्ट इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, लेकिन ये बिल्कुल छोटा सा है तो इसका पूरा ही बनाएंगे। दो चम्मच घी लीजिए। अब इसमें ये कद्दूकस किया हुआ कद्दू डालिए। अब इसमें डालिए चीनी। इसको ढक के मीडियम आंच पे अच्छे से पकाइए। ये है मलाई जो घर में दूध का निकालते हैं। ये 3 किलो दूध का मलाई है। ये फिर से इसको ढक के अच्छी तरह से पकाइए। अब डालेंगे थोड़ा सा ग्रीन फ्रूट कलर। ये है 2 इलायची कुटा हुआ। इस तरह से मिक्स करते हुए अब इसको बिना ढके हुए पकाइए। अब ये इसको कटोरी में निकाल लीजिए। तो ये हो गया आपका कद्दू का हलवा। एक प्लेट में घी लगा के
इसको ठंडा होने के बाद अगर आप लड्डू बनाते हैं तो बहुत अच्छे से लड्डू भी बन जाएगा। मैं इसको बना रही हूँ बर्फी। अब इसको थोड़ा सा सजा लेंगे। ये है बादाम बारीक कटा हुआ। और ये है थोड़ा सा गुलाब की पंखुड़ी। आपको जो भी चीज़ पसंद हो उसे सजाइए। हल्का हल्का सा इस तरह से दबाइए। ये कद्दू का बर्फी बनके तैयार है। इसको फ्रिज में रखेंगे 2 घंटे के लिए, ठंडा करेंगे तब काटेंगे। अब ये हो गया आपका कद्दू का हलवा, लड्डू और बर्फी। ये तीनों चीज हो जाएगा इसी तरह से। इसको ठंडा करेंगे फिर इसको काट के दिखाएंगे। ये कद्दू की बर्फी बनके तैयार है, बहुत ही टेस्टी। इसको बनाइए, खाइए। मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।